नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज। अफगानिस्तान के हालात पर बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बताया कि अफगानिस्तान की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और भारत सरकार की बहुत कोशिश के बाद भारतीय एम्बेसी के लोगों को लाया जा रहा है। 120 से ज्यादा भारतीय दूतावास और ITBP के जवान को निकाल लिया गया है। अफगानिस्तान को लेकर पूरी दुनिया चिंता में है। तालिबान जिस तरह की भाषा बोल रहा है वो जमीनी नहीं बल्कि हकीकत से दूर है और भारत सारी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसी भी भारतीय को नुकसान नहीं होने दिया है। भारतीय को अफगानिस्तान से लाने के लिए सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। हिंदू हो या मुस्लिम, जो भारतीय नागरिक है उन्हें लाने को लेकर सरकार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोच में सिर्फ भारतीय रहते हैं, कोई जात धर्म नहीं होती है। बने जो गारंटी उसने दी उस पर उसको अमल करना चाहिए। सर, क्या आपको हिंदुओं को बुलाया जाएगा कि सभी लोगों को वहां से बुलाया जाएगा? हर भारतीय को बुलाया जाएगा जो भारतीय हैं, लेकिन जो अफगान के भी नागरिक हैं, कुछ सिख समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, जो अफगानी नागरिक हैं उनको अगर वो हमारे यहाँ आना चाहेंगे उनको भी बुलाएंगे, लेकिन जो भारतीय हैं उन सब भारतीयों को लाना हमारा फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी। अभी बहुत टू अर्ली टू से, अभी इन चीज़ों के बारे में विदेश मंत्रालय सारी चीज़ें बताएगा। अभी तो ये है कि अफगानिस्तान के विषय पर हमारी सरकार पूरी नज़र बनाए हुए। हमने यमन में भी जब संकट आया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मेहनत करके अपने मंत्री को भेजकर वहां से एक एक भारतीय को निकाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच में सिर्फ भारतीय रहते हैं। एक नहीं अनेक बार वो कह चुके हैं कि जब वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते हैं तो उसमें जात धर्म नहीं देखकर पूरे भारतीय की चिंता करते हैं। पहले भी हमने किया, हमने तो विदेशियों को भी मदद की थी निकालने में यमन में, यानी जो भारत के जहाज़ गए थे उसमें 23 देश के लोगों को यमन में निकाला था भारत ने। भारत तो वसुदेव कुटुंबकम की सोच का देश है, पूरी वसुधा को, पूरी होल माइंड काइंड अवर फैमिली, हम उसकी चिंता करते हैं। जो परेशान होगा, हम किसी को असहाय नहीं छोड़ पाए थे। जो भारतीय पासपोर्ट होल्डर हैं वो सिर्फ भारतीय हैं, उन सबको बुलाया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते हैं। और जो भारतीय पासपोर्ट होल्डर होता है उसकी न जात होती है न धर्म होता है, वो पहले भारतीय होता है फिर उसकी जात और धर्म होता है। और कोई भारतीय अगर मुस्लिम होगा तो क्या हम उसे छोड़ देंगे? बहुत से जो ऑफिशियल 120 जो अभी जहाज़ से आए हैं उसमें सब समाज के लोग हैं ये, लेकिन जो अफगान में हिंदू और सिख हैं जिनका धर्म के वजह से खतरा होगा उनको ज़रूर हमने पहले भी नागरिकता दी है, जो उनको नागरिकता देंगे। लेकिन कोई भी भारतीय होगा, मान लीजिए मैं बिहार में, मैं अफगानिस्तान में होता तो मुझे क्या कहते कि आप मुस्लिम हैं इसलिए आपको नहीं लाएंगे अफगानिस्तान के लोग।